भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस का सामना कर रहे योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। बाबा रामदेव ने कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगते हैं। उनका इरादा कोर्ट की अवमानना करने का नहीं था और ना ही कभी हो सकता है। उनसे काम के उत्साह में गलती हो गई। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, वे सतर्क रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने अभी उनकी माफी स्वीकार नहीं की है। अदालत ने कहा है कि वे उनके पिछले इतिहास और केस को देखने के बाद इस पर विचार करेगी। पीठ ने उन्हें भ्रामक विज्ञापन के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि लाइलाज बीमारियों की दवाओं का विज्ञापन नहीं दिया जा सकता। आप अपना काम करिए, लेकिन आप दूसरी पद्धति या एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के माफी मांगने के अलावा उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे खुद ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। कोर्ट उन्हें इसके लिए एक सप्ताह का समय दे। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें समय दे दिया और केस को 23 अप्रैल को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि दोनों लोग अगली सुनवाई पर भी कोर्ट में हाजिर होंगे। ये आदेश न्यायमूर्ति असानुद्दीन अमानुल्ला और हिमा कोहली की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को दिए। इस मामले में कोर्ट ने 21 नवंबर को कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने पर रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। मंगलवार को दोनों कोर्ट में पेश हुए। पहले उनके वकील ने गलती मानते हुए कहा कि वे स्वयं से सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं। उसके बाद कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण से बात की और उनसे सवाल पूछे। कोर्ट ने रामदेव से कहा कि आपने योग में काफी काम किया है और आपकी काफी गरिमा है। आपने योग के अलावा भी कारोबार शुरू किया है। आपने कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामदेव ने माफी मांगते हुए कहा कि उनसे भूल हो गई है। वे बिना शर्त माफी मांगते हैं। निरोग समाचार की रिपोर्ट।